देखते हैं 3 किलोमीटर बाद हम वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गाइड आए हैं सबसे आगे चल रहे हैं जो ब्लू टी शर्ट में, ये देखिए गाइस, ये वो शख्स है जो हमें गलत रास्ते पे लेके आया। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देखिए हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोशी के 01 में। छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग में हम जाने वाले गाइस भालू डैम, जो कि रानीखेत में है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस जगह में और इस ब्लॉग में, तो बने रहे हमारे साथ। तो लेट्स गो। तो अभी कर लिया हमने घिंगारी खाल क्रॉस और छावनी परिषद रानीखेत के लिए हम निकल चुके हैं। और ये है गाइस सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत, जहाँ पे सारी आर्मी रैली भर्ती होती हैं और जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो भी यहीं पे होती है। और ये है इसका मेन डोर, जहाँ पे कि हमेशा जवान ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि भालू डैम कैसे पहुँचा जा सकता है। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको रानीखेत आना पड़ेगा, और रानीखेत के बाद हमें जाना पड़ता है चौबटिया। चौबटिया जो कि रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर है, चौबटिया जो कि एप्पल गार्डन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको हम एप्पल गार्डन भी दिखाने वाले हैं और भालू डैम भी दिखाने वाले हैं। अभी हम पहुँच गए हैं गाइस झूला देवी मंदिर। तो आज तो हम झूला देवी मंदिर जाने रहे हैं, दूर से ही दर्शन कर लो झूला देवी मंदिर के। देखिए झूला देवी मंदिर, ये है झूला देवी। खैर गुरु, और ये डर रहे हैं अभी, ले ले। तो ये देखिए गाइस, पूरे रास्ते भर में गाइस आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली हैं। ये है गाइस ऊपर शेर। तो ये हम पहुंच गए गाइस चौबटिया के एरिया में, और यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया नीचे को। तो चौबटिया एप्पल गार्डन इसी वे में पड़ेगा हमको, तो कभी आप भी आते तो इस वे में आना, ऊपर को मत जाना, लेफ्ट साइड लेना यहाँ से। तो अभी यहाँ से आगे भी चली जाती है गाइस बाइक, विनय बता रहा है। तो हम तो पहले कभी आए नहीं हैं, विनय आए हुए हैं, तो चलते हैं आगे को। रोड तो ठीक ही लग रहा है। तो अभी हम चौबटिया में हैं, और यहाँ से कितने दूर है? यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा। 2-2.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना है, और ये यहाँ पे तक आप अपनी बाइक वगैरह ला सकते हो, पीछे फोर व्हीलर भी आ जाते हैं। तो ये है गाइस एप्पल गार्डन नीचे, और यहाँ से ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हैं आप। अब हम चलेंगे पैदल यहाँ से नीचे को। तो हम 3 जने पहली बार आ रहे हैं, बिना यहाँ पे काफी बार आ चुका है ऐसा इसका बोलना है। तो वो देखिएगा इस सामने का व्यू, अरे इस लड़की की लैंग्वेज तो उस बाहुबली वाले विलन से मैच कर रही है, देखो जरा। निम्टा दूसरा स्टेल मी हर तबुस क्रैक ओए कि निम बोमला। सही पकड़े हैं। ये देखिए गाइस, ये देखो सेब ही सेब है, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, और पूरे सेब के गार्डन
लगे हुए हैं यहाँ पे, सेब ही के सेब पेड़ हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। तोड़ भी नहीं सकते इनको हम, जाली लगी है। तोड़ तो सकते हैं वैसे, हम कुबेदर तो बचपन से हैं, शौक है बचपन से, पर अभी हम जाएंगे नहीं, चोरी करने का एक्सपर्ट है वाले। खाली कहीं गाली वाली पड़ गई तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अभी हम नहीं जाएंगे। कृपया अंदर प्रवेश ना करें, दिखाया नहीं, यहाँ को क्यों बंद करेगा, यहाँ को जाना हुआ। अबे पोपट बना दी मैंने, नहीं यार 6 साल पहले, ये देखिए गाइस, ये वो शख्स है जो हमें गलत रास्ते पे ले गया और ये बोला था कि इधर को है भालू डैम पर यहाँ को कुछ नहीं है। ये है अभी रास्ता, ये बता रहे हमें, जैसे आप वहाँ से अपनी बाइक वाइक या गाड़ी वगैरह निकाल के आ गए तो यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट लेके ऊपर को ये रास्ता आता है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जब हम आते हैं इस साइड को तो यहाँ से जो ऊपर को जो रास्ता गया है ये राइट साइड एरो वाला, उसमें जाना पड़ता है। तो गाइस ये देखिए, हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और वो रहा मेन रास्ता जो कि अभी हमें बताया किसी ने, 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से जो भैया नीचे हैं उन्होंने बता रहे हैं 3 किलोमीटर है, देखते हैं 3 किलोमीटर बाद हम वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गाइड आए हैं सबसे आगे चल रहे हैं, जो ब्लू टी शर्ट में ब्लू शर्ट पहनी हुई है जिन्होंने, इनके द्वारा हमें काफ़ी गलत डायरेक्शन मिला और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए अभी। क्योंकि ये बंदा जो है 6 साल पहले आया था और जब ये बोला कि जब हम पहले आए थे तो जिस रास्ते हमें ले गया था वहाँ से भी रूट था, और अभी हमें एक नीचे गाइड मिले थे वो मना कर रहे थे उस रूट से जाने के लिए कि यहाँ से आगे बंद है तो तुम्हें ऊपर से जाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस कितना घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और पूरा जंगल है। और जो हम नीचे वाला रास्ता बिना बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है वो यहाँ से लिंक होता है। ये देखिए, अब ये हमें जो नीचे गाइड मिला था वो मना कर रहा था कि ये रास्ता बीच में सब बंद है तो हम इधर को आए हैं। रास्ता तो ये भी है, तो वैसे तो काफी सारे रास्ते आ रहे गाइस यहाँ पे, अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और अंकल जी ने हमसे बोला कि सीधा सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक पेड़ भी गिरा हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा जड़ से उखड़ा है। बांज का पेड़ है, सारे बांज के पेड़ है यहाँ पे, पूरा बांज का पेड़ है, काफी ठंड वाला इलाका है। देखिए और वो लोग अभी पता नहीं कहाँ आ रहे, दो बंदे हमारे पीछे हैं। गाइस आप देख सकते हैं इसको, पता नहीं कौन सी आवाज निकाल रहा है जंगल में आकर के, आदिवासी लगता है पूरा। और मुझे तो डर भी लग रहा है कि इस जगह पर पहुंच गए, और यहाँ पे से 2 रास्ते कटते हैं और सामने एक घर भी है, देखिए आगे पुराना मकान है टूटा फूटा सा। और अभी हमने गूगल मैप में चेक किया है तो और इस साइड पे दिखा रहे हैं, वैसे तो ऐसे दिखा रहा डायरेक्शन, तो हम ये राइट वाला चूज कर रहे हैं और ये है लेफ्ट वाला, इस पे हम नहीं जाएंगे अभी, हम गूगल मैप के थ्रू थोड़ा बहुत चल रहे हैं अभी। और तो ये एक लेफ्ट को गया हुआ है और ये गया है राइट, तो अभी हम राइट को जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचते हैं कहीं और पहुँचते हैं, चलते हैं इस पे। थैंक यू। बहुत देर हमें यहाँ इंसानी जाति का नामो निशान देखने को मिला, और जस हम पहुँचने वाले हैं भालू डैम पे, वो बोल रहे हैं बस 100-150 मीटर बचा हुआ है, काफल का पेड़ ही पेड़ है क्योंकि काफल का जो टाइम है गाइस वो चला गया है। तो काफल के पेड़ वैसे काफ़ी तो मतलब हैं रास्ते में, आप अगर सीजन के काफल के सीजन में आओगे तो मिल सकते हैं। देख रहा है यहाँ पे से वो, देखिए नीचे पानी नजर आने लगा है हमें, नीचे पानी, और पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनी पर। भाई बड़ा तो काफी है रे, रानी जी से तो बहुत बड़ा लग रहा है, चौड़ा है उससे काफी ना? वही ये रहा हमारी मंजिल, जैसे हम पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे खंडर भी है एक, और ये भी होगा कोई रास्ता, काफी सारे रास्ते में से इधर आने के लिए, लेफ्ट से भी राइट से भी। यहाँ ये देखिए सामने का लोकेशन प्यारा सा, ये देखिए
अभी नीचे चलते हैं। और ये है एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पे घंटी भी है तो बजा लेते हैं घंटी को, चलते हैं नीचे की ओर। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देखिए मंजिल पे अपने। और ये रहा गाइस बालू डैम, काफी ज्यादा हमें परेशानी का दी। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे है? इसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि इसको कुछ पता था नहीं रास्ता कहाँ से है। 6 साल पहले ये आया हुआ पटना था, और ये जिस रास्ते से पहले ये आया हुआ था वो अभी बंद कर दिया है, और हम दूसरे रास्ते से आए हैं, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। और बाकी हम पे था गूगल मैप, हमने उसमें देखा, और जो डाइवर्जन था एक ही रूट का था बस। देखिए पीछे काफी लंबा है वैसे, ठीक है, मतलब अच्छा है, पर इसका जो पानी है वो काफी गंदा है, और इस साइड से थोड़ा बहुत स्मेल भी आ रही है। अभी नीचे भी जाके देखेंगे, बीच में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा कांच लगा हुआ है। यहाँ पे हो रहा है गाइस फोटोशूट, और अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे को इस रास्ते से, चलिए सामने की ओर, थोड़ा बहुत अगर जाया जा सकेगा तो, क्योंकि वहाँ पे से वहाँ पे तक तो ठीक रास्ता है, पर उसके बाद थोड़ा टफ है, तो चलते हैं। ये देखिए मेरे राइट साइड में बहुत ही सुंदर सा व्यू है, और ये रहा वो रास्ता जहाँ को हम जाएंगे। तो और वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं फोटोशूट अभी, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि कहाँ तक हम जा सकते हैं इस पर, तो कितना लंबा है थोड़ा हमें ये पता लग जाएगा। और रास्ता कुछ ऐसे है, देखिए पूरा जंगल वाला रास्ता। तो यहां से गाइस पूरा रास्ता जो है ऐसा है कुछ, और यहां से थोड़ा हमें व्यू मिल रहा है, थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे से रास्तों के नीचे से। लगता है नहीं कि यहाँ पे से बहुत टाइम से पहले कोई गया है। ओ भाई, और यहाँ पे हुर की तार बाढ़, सांप वहां अपना दिख जाए बस, क्योंकि अमेजन के जंगलों से कम नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर देखते हैं क्या व्यू मिलता है हमें यहाँ पे से। कुछ ऐसा व्यू है गाइस यहाँ से। और अगर बात करें इस डैम के निर्माण की, तो 1903 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस डैम का निर्माण कर दिया गया था, और अंग्रेजों ने इसका निर्माण पिकनिक स्पॉट के रूप में किया था, और वो उस टाइम पे यहाँ के मस्त चिल करते थे, और वो लोग यहाँ पे नौकायन वगैरह का भी लुत्फ उठाया करते थे। और अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर भाप से संचालित होने वाली पेयजल व्यवस्थाओं का भी निर्माण किया था। पहले से रानीखेत और चौबटिया के पानी की आपूर्ति को यहीं से पूर्ण किया जाता था। हालांकि चौबटिया को अभी भी पानी यहीं से मिलता है, और इस झील की लंबाई लगभग 70 मीटर और चौड़ाई 6.6 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 9 मीटर की है। और इस डैम में लगभग 500 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा देव वृक्ष देवदार का जंगल भी है, जिसे देववनी भी कहा जाता है। और इस डैम को विकसित करने के लिए बहुत पहले से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनमें सुनवाई नहीं हुई है। इस डैम को नैनीताल की तर्ज में विकसित करने की बहुत पहले से मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जबकि यहाँ सफारी, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग रूट विकसित किए जाने की अपार संभावना है, और अगर इस पर गौर किया जाए तो ये काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है, और पर्यटकों को ये काफ़ी पसंद भी आता है। और यहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, वो बहुत ही शांत है। और अगर आपको ट्रैकिंग करना, घूमना पसंद है तो यहाँ ज़रूर आइए, एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस नीचे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे दिखाने के लिए नीचे, पर ये कुछ ऐसा यहाँ पे रास्ता है इस टाइप से, देखिए गोल
ऐसे सीधे हैं और नीचे पूरा कांच जमा हुआ है, इससे ज़्यादा नीचे मैं जा भी नहीं सकता हूँ। ये देखिए ये उधर से भी सीढ़ियाँ, लेकिन और ज़्यादा बेकार है। तो अब यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस देखने के लिए, तो अब चलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं पहुँच गया गाइस रानी झील पे, जहाँ की आई लव रानी खेत वाला बोर्ड लगा है। देखिए मेरे पीछे से यहाँ पे लगा हुआ है आई लव रानी खेत वाला बोर्ड, जो है यहीं पे लगा हुआ है। और पीछे हमारे रानी झील, वो सामने देख सकते हैं आप हमारे पीछे। बाकी मैंने यहाँ का वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी पहुंच गए गाइस घर, और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और थोड़े सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये बेल आइकन उसको दबाइए।